आलिया के लिए वापस आई हो, ये मत सोचना कि आपको माफ करती। Look, I've already said sorry to you once. अम्मा, पापा, सरप्राइज आप दोनों के लिए। क्या हुआ? मैंने आप दोनों के लिए रॉयल रिसोर्ट में सुइट बुक करवा ली है। आलिया, I'm sorry, पर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? अम्मा, आप दोनों को ना ब्रेक की बहुत ज्यादा जरूरत है। आलिया, आप नहीं ले सकते ब्रेक, या तुम्हारा इलाज चल। कुछ नहीं, वो तुम फेंट हुई थी ना, तो डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। अब बेसिकली अगर हम लोग चले जाएंगे तो तुम पे कितना ज्यादा बोझ आ जाएगा, तुम्हें प्रोजेक्ट पे अपने कंप्लीट करने हैं, फिर घर का काम। हम तुम्हें एग्जर्शन नहीं देना चाहते हैं, सो वी वांट टू स्टे अराउंड यू, तुम्हारे पास रहेंगे, यू विल बी कंफर्टेबल। और ऊपर से तुम्हारा फैशन शो भी तो है, आई डोंट वांट टू मिस दैट। पर पापा, बुकिंग तो हो चुकी है ना सारी। हाँ, तो बुकिंग पोस्टपोन कर दो ना, फैशन शो के बाद चले जाएंगे, है ना? ऑल ऑफ अस टुगेदर, इट विल बी फन। हाँ, एक्चुअली ना यही सही रहेगा, वो मैं और आदि भी आपके साथ जा पाएंगे, तो इट विल बी फन। हाँ, तुम, आदि, हम सब साथ में चलेंगे। मैं आदि को बताती हूँ। गुड नाइट। मैं उस लड़के के साथ नहीं जाना चाहती हूँ रमन, मैं नहीं साइन कर सकती हूँ, मैं नहीं देख सकती हूँ उसको आलिया के साथ रोमांस करते हुए। वैसे भी तुम क्यों आ गई? एक्चुअली काम करो ना, तुम्हारे लाडले रोहन को बुला लो, है ना? हम सब साथ चलेंगे, वन बिग हैप्पी फैमिली, सब खुश। आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है ना, आप कुछ नहीं समझ सकते हो ना। ये तेरा अच्छा यार, कुछ बोलने को नहीं तो निकल जाती बाहर। आई होप तेरा रोहन ना हो बस। आप लोग बेकार पीछे पड़े हो, मैं कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं हमें। कौन? सिम्हो? इतना भी क्या गिल्टी फील करना है? सिमी, तुम तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बुरा लगता था सोचे कि जिन हालातों में तुम घर से गई थी। I know. वक्त उस टाइम बहुत खराब था, पर अब सब ठीक है, इसलिए मैं वापस आ गई। It's really so good to see you, सच में। Same here. पता है, घर बिल्कुल पहले जैसा नहीं था। बुआ? Okay. आदि, सिद्धा? बुआ, कैसी हो आप? पता कितना ज्यादा मिस किया हमने। आदि, आप भी चौंक गई है ना? देखो, हमारा आदि वापस आ गया है। आदि, आओ ना। आदि नहीं है। आओ बुआ। रिएक्ट मत कर। रूही, बुआ, कैसा है बच्चे? वो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप, आपको बहुत मिस किया हम सब ने। आप कहीं गए रह पाते? सबको बहुत मिस किया बच्चे। अच्छा, सिमी बुआ बहुत थके होंगे ना, उनको सेटल करवा दे रूम में। हाँ आलिया, बेटा देर बहुत होगी, तुम्हें सो जाना चाहिए, कल तुम्हारे बस्ती वाले प्रोजेक्ट की मीटिंग है सुबह। ओ हाँ, मीटिंग तो है। आदि, मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। गुड नाइट बुआ। हाँ, गुड नाइट।
गोइंग ऑन? चल सब बताते, चाय पिएगी? अरे चल ना। अरे पर आप लोग वो आदि के बहरूपिये को इस घर में कैसे रहने दे सकते हो? आलिया के लिए करना पड़ रहा है सिमी, नहीं तो उसे कब का घर से बाहर निकाल के फेंक देते हम लोग। रोज रोज अपने सामने आदि की शक्ल के बहरूपियों को देखना कैसे सहा ये सब? सिमी सच बताऊं आसान नहीं है ये, तू आ गई ना मेरा साथ देने के लिए। सिमो वो कोई शातिर बातें नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है, उसने आलिया का बहुत ध्यान रखा है, उल्टा उसी वजह से आज आलिया वापस आई, वरना आलिया को खो देते हम। लेकिन तेरी भाभी के दिमाग में बात जाती नहीं है, घड़ी घड़ी पता नहीं कि उस रोहन का पीछा कर देती। अरे समझाए से, वो लड़का अच्छा है, हमारी मदद कर रहा है। तुम देख रही हो सिमी कैसे बात करते? तो तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। भाई इश्ता ना बिल्कुल ठीक बोल रही है, आप रोहन से कुछ नहीं छुपा सकते, वो आलिया का पति है। आप उस बहरूपी की शक्ल पे जा रहे हो, अपनी रैशनल थिंकिंग खो रहे हो, आप उसको अंधेरे में कैसे रख सकते हो रोहन को? अच्छा अच्छा बस 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 इट्स ओके, अभी आप दोनों उससे पहले कि वापस लड़ना चालू करो ना, हम सब जाके सो जाते हैं, ठीक है? आप दोनों भी सो जाओ, इट्स गेटिंग प्रीटी लेट, और सिमी वो अभी तो थकी हुई होंगी ना, ठीक है? हम लोग सोने चलते हैं, आप भी सो जाओ। चल मैं भी चलती हूँ। सुनो ना सिमी, आलिया से इस बारे में कुछ बात मत करना, उसे मालूम नहीं है कि उसे डिसऑर्डर है, थोड़ा संभल के बात करना। हाँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको नहीं, किसी और को भी है। अच्छा चलो बस अभी सो जाते हैं, ठीक है? चलो गुड नाइट, बाय। सिमो पुत्र, तूने बड़ा चंगा किया है, जो तू ऋषिकेश हो आई, मेरा भी बड़ा मन करता है जाने को। ओ तोशी जी, अपनी सेहत ठीक कर लो, मैं ले चलूंगा आपको ऋषिकेश। हाय रब्बा, मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक ठाक तो हूँ। मम्मा आपको और पापा जी को ना जरूर जाना चाहिए, पता है ऋषिकेश इतनी अच्छी जगह है, इतना सुकून है वहाँ पे, यू शुड रियली गो। एक सेकंड मीका, ये अपनी जीजू को देकर आ जाओ। मीका यार ये घास फूस नहीं खाना मुझे, प्लीज गिव मी नॉमिनेट। पापा जी आप ले लो, गरम पराठा है। पापा जी दिल को तक। अम्मा और पापा अभी भी लड़ रहे हैं। ये लो पापा, गरम गरम ऑमलेट। कोई नई रेसिपी है? अलग दिख रही। नहीं नहीं चीज ऑमलेट नहीं है, ये है वेजी चीज ऑमलेट। वैसे आप मामा को थैंक्स बोल सकते हैं, बहुत प्यार से बनाया उन्होंने। ऑमलेट ना वेज नहीं हो सकता, ऑमलेट एग होता है और मुझे अंडे का ही ऑमलेट चाहिए, ये घास फूस नहीं चाहिए मुझे। पापा एक काम करो रोहित, बेटा तुम खा लो, तुम्हें अच्छा लगे। लो क्या कर रहे हो आप? क्या सिमी प्लीज तू बना देना मेरे लिए पंजाबी वाला ऑमलेट यार, और घास फूस मत डालियो प्लीज। ऑमलेट पंजाबी या मद्रासी नहीं होता, ऑमलेट ऑमलेट होता है, और ये ऑमलेट मैंने बनाया भी नहीं है। जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ रोहित, खा के देखो इतना अच्छा ऑमलेट ना ये बना भी नहीं सकती, इट्स द बेस्ट ऑमलेट एवर। अच्छा है आलिया उन्हीं को देना वेजिटेबल्स वाला ऑमलेट, वही खाएंगे। ओ गॉड यू टू, बस भी कीजिए आप दोनों एंड प्लीज खा लीजिए अब। तो उसको बोलो ना। मैं दरवाजा बंद करो। ये क्या है? अरे मेरे घर में का? अरे कौन? अरे कहाँ चले जा रहे हैं? कैसे घुस गए? बाप का घर समझ रहे? अरे अरे तो किधर हिल रही है? चुपचाप अपना मुंह सिल के पीछे खड़ी रहे, ये गाने पिचकारी नहीं, अब इसको सीरियसली ले और पीछे हट ले। चल शमशाद, देखने में तो बड़े रईस लग रहे लेकिन बंदूक की नली देख के। ए रमन सेठ, अब कुछ काम की बात करते हैं, तेरा ऑटोग्राफ दे। तुम लोग चाहते क्या हो? देख उम्र कम है, हर वक्त निकल रहा है, इसलिए ना चुपचाप साइन करते, वरना अंगूठा काट के खुद ही ले लूंगी। क्या ये? क्या खराब है? चीखो मत वरना यहीं पे।
साथ समझा जरा। जो बोला जाए वो करो, वरना वरना हिचकियाओ। चल साइन कर। ठीक है मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन चाहिए क्या आप लोगों को? डिफेंस कॉलोनी में तेरी प्रॉपर्टी है ना, उसके शमशाद पेन दे। यही ठीक रहेगा उनके लिए। पर डॉक्टर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हम मॉम की ट्रीटमेंट यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? उनको लंदन लेके जाने की क्या जरूरत है? रोहन मैंने सुधा जी की रिपोर्ट अभी देखी है, उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उनका दिल कमजोर है। ऐसे टाइम पे यहाँ के स्ट्रेस से वो दूर रहेंगी, यही उनके लिए बेहतर होगा। और वैसे भी मैंने लंदन में अपने एक सीनियर डॉक्टर से बात की है, वो उनका ख्याल अच्छे से रखेंगे। नो प्रॉब्लम डॉक्टर, मैं वैसे भी मॉम को लंदन लेके जाने की सोच रहा था, हमारा घर भी तो है वहाँ पे। पर करण मुझे लगता है कि अगर मॉम की ट्रीटमेंट हमारी आंखों के सामने हो तो अच्छा होगा यार। और हमारे हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम है? We've got the best of the technologies, अच्छे डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, तो लंदन जाने की क्या जरूरत है यार? Well, भाई, मॉम यहाँ जो कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहती है उसका क्या? लंदन में रहेगी ना तो स्ट्रेस से दूर रहेगी, वो कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जितना दूर रहेगी ना स्ट्रेस से उतनी जल्दी ठीक होंगी। पर करण मुझे लगता है कि मॉम लंदन जाने के लिए कन्विंस नहीं होंगे, तो उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। Yes, you are right. Thank you, doctor. Thanks. करण, 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 एक मिनट मेरी बात सुन, मॉम ठीक हो जाएंगी, she'll be fine, मैं बात करता हूँ उनसे। और रियली तुझे आलिया की टेंशन लेने से फुर्सत मिलेगी ना तो मॉम पे ध्यान देगा ना तू? और एक बात कान खोल के सुन, अगर मॉम को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। करण, अब मैं ऐसा इलाज करूंगा कि भाई का उस आलिया से हमेशा के लिए पत्ता कट जाएगा। तुम ये सब कर क्यों रही हो यार? तू फिर सवाल में घुस रहा है, तुझे बोला ना ज्यादा सोच मत, चुपचाप साइन कर। तेरी सोच जितनी गहरी होगी ना मेरी बंदूक के हौसले उतने ही बुलंद होंगे। एक मिनट, ऐसे कैसे रमन साइन कर देंगे इस पेपर पे? आई एम सॉरी लेकिन आप समझ नहीं रही है, ये प्रॉपर्टीज रमन ने हमारी बेटियों के लिए ली है, आपको कैसे हैंड ओवर कर दे? तू अपने आप को शेरनी समझती है ना, तुझे क्या लगता है तू मुझे धमकाएगी और मैं पीछे हट जाऊंगी? कल ना शराफत से आई थी पैसे दे के प्रॉपर्टी लेने, लेकिन तुम दोनों को ना बड़े तेवर है। अब ना एक आवाज निकली ना तो इस बार वार्निंग नहीं दूंगी, सीधा ठोक दूंगी। आप बोलो तो अभी हिसाब बराबर कर देता हूँ। आप लोग क्यों ऐसे नाराज हो रहे हो? सो सॉरी जो भी हुआ कल। देखिए हम लोग को और अच्छे से पेश आना चाहिए था, रमन को आपकी बात सुननी चाहिए थी, मुझे आपसे स्वीटली बात करनी चाहिए थी, कल हम लोग बहुत परेशानी में थे, आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे धमकाने से क्या बदल जाएगा? कमाल है यार डॉक्टर नीतु, कल तो इतनी चौड़ी हो रही थी और आज आज मुंह से सॉरी निकल रहा है। कल की बेइज्जती का बदला वो तो तय, ये प्रॉपर्टी मेरी हुई। अब साइन करो या गोली खाओ। नहीं 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 साइन तो मैं हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी मेहनत की कमाई है और मैंने अपने बच्चों के लिए खरीदी, तो मुझे जितनी धमकी देनी है ना दे दो, जो करना है कर लो, साइन तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। ना एक काम कर दो, कमिश्नर को फोन करता हूँ, फिर इनकी एक रेडी करने आएगी। बल्लास के यहाँ से आई है? फोन करने तक तू जिंदा बचेगा क्या? शौक चढ़ाएगा हीरो बनने का, अकेले गोली खाएगा या पूरे परिवार के साथ? कोई भी आवाज नहीं करेगा वरना यही ठोक दूंगी। ईशो, रमन, मीका, क्या चक्कर है? सब लोग तो घर पे ही होने चाहिए, फिर कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा?
ऑन इशू, पिक अप द फोन। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। याद है इनके इनके घर की डुप्लीकेट चाबी तो मेरी अलमारी में पड़ी है, मैंने रखवाई थी, मैं फिर लेकर आता हूँ। क्या रमन सेठ, तुम अभी तक हिले नहीं? देख अब चुपचाप साइन कर दे, मेरे दिमाग की घंटी बज रही है। ये ऐसे साइन नहीं करेगा, एक तरीका है आपा, जिससे ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। अपनी बेटियों के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है तूने कि बेटियों को ही खत्म कर देते? खबरदार, नहीं नहीं, क्या बात है यार, इस चीज के लिए तो तुझे पूरे नंबर है। चल एक काम कर, इनकी बेटियों को ना एक लाइन में लगा। चल इस फैमिली मेंबर में से किसी को मारने की कोशिश मत करना, अगर मारना है ना तो सबसे पहले मुझे मार। अभी पहले मुझ पे गोली चलाओ, मेरे परिवार को नहीं समझो? अरे यार सबको बहुत तेवर है इस घर में, एक काम कर पूरे परिवार को एक लाइन में खड़ा कर। चल सबको उड़ा देते हैं, सबके लिए बुलेट से मेरे पास। अच्छा ये बताओ एक एक करके खाओगी या सबको एक साथ? पहले तुम बता तुम्हें ये प्रॉपर्टी चाहिए क्यों? क्या है ना, मैं अपने मन की बहुत सुनती हूँ, अब मन को ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी तो चाहिए तो चाहिए। क्यों कर रही हैं? आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, आप आराम से बैठ के बात तो कीजिए ना प्लीज, हम साइन कर देंगे, प्लीज बैठ के बात कीजिए। जो 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 चाहिए ना उनको दे। ओ ना जी, तुसे जितने साइन कराने ने ना करा लो, पर मेरे बच्चों को कुछ मत कहो जी। हाँ जी, मेरे बच्चों को कुछ नहीं कहो। अरे यार चुप करो, दिमाग खराब करके रख दिया। अब लास्ट 10 तक गिनती हूँ, मेरा टाइम खराब मत करो, चुपचाप साइन कर दो, नहीं तो अब की बार ना गोली मार ही दूंगी। प्लीज प्लीज, इस तरह से डराने धमकाने से क्या होगा, प्लीज ये मत कीजिए आप। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। रमन, जो भी थी बहुत खतरनाक थी। बस एक बार यू को कन्विंस कर लो कि वो आलिया से शादी कर ले, अगर ये हो गया ना तो भाई को आलिया को भूलना ही पड़ेगा। वॉचमैन, कहाँ थे तुम? हाँ सर, मैं बोस सामान लेने गया था कुछ। तेरा काम गेट पे रहने का ना, तेरी वजह से आज घर पे। रमन रमन रिलैक्स, पहले पुलिस के पास जाना है, हमें कंप्लेंट करना है। कुछ नहीं भैया, आप जाओ बैठो। आप व्हाट्स गोइंग ऑन, ये लोग पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।